कमीशन का फैसला देखिए, हमने हफ्ता पहले कहा था कि यह फैसला मत लीजिए, यहां के इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब बारिश पड़ रही थी तब नहीं किया, जब धूप निकली तब कहा इलेक्शन पोस्टपोन करो। हमने यह तक कहा इलेक्शन कमीशन को कि खुदारा हमें बताइए ना, जो लोग आपसे इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं वो तो मैदान में नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है, जिनके आप ये चिट्ठियां लेके या इंतजामिया को भेज रहे हो, उनका जब उम्मीदवार नहीं है तो इलेक्शन के मुतल्लिक अपनी राय क्यों दे रहे हैं? सीधी सी बात है, यहां कोई साजिश रचाई जा रही है। हमने ये भी कहा कि ना बाबा आपने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई लेकिन यहां से रजौरी पुंछ जाने के अलग रास्ते हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी को मुगल रोड से जाना है, वैसे भी मुगल रोड साल के 4 महीने 5 महीने बंद रहता है, तो इसका हम क्या मतलब निकाले कि 4-5 महीने के लिए मेंबर पार्लियामेंट साहब आर पार जाएंगे? नहीं, जम्मू से जा सकते हो, रियासी से जा सकते हो। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और हमारे जो कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब जो है वो आज यहां मौके पर मौजूद नहीं है क्योंकि वो रजौरी गए और कल वह जम्मू चले गए, तो अगर वो जा सकते थे इलेक्शन पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सोच समझ के एक साजिश के तहत जो है ये फैसला लिया गया, क्योंकि उनका गर्ज ये था कि हमारे जो गुजर बकरवाल जो हैं उनका वोट उनसे छीना जाए। वो जानते हैं कि ये वक्त है कि हमारे गुजर बकरवाल जो हैं अपना माल मवेशी लेके ऊपर के इलाकों में जाते हैं, और ये उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्शन हम थोड़ा डिले कर देंगे ये गुजर बकरवाल जो है अपना माल मवेशी लेके निकल जाएंगे और वो वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने आज पोस्टपोन किया, ये जो हमारे ये खानाबदोश लोग हैं, हमारे जो गुजर बकरवाल हैं, ये भी आपके साजिश को नाकामयाब करेंगे इंशाल्लाह, ये भी इंतजार करेंगे वोट डाल के यहां से निकल जाएंगे। नहीं होगा ये बीजेपी की साजिश कामयाब। इनकी हमेशा से कोशिश यही रही है अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल, अलग करें लोगों को, लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करें। लेकिन इंशाल्लाह जब तक इमरान और आप जैसे लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े रहे, यहाँ के लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी इंशाल्लाह हम करते रहेंगे और जम्मू कश्मीर को हम इंशाल्लाह इस दलदल से जो है निकाल के रहेंगे। ये मेरा